हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई रियली होप कि आप सभी अपने अपने घरों में मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठंड बहुत है, घर में रहें, सेफ रहें और पढ़ाई मस्ती से कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेक्चर 4 लेकर आए हैं और लेक्चर 4 में हम ये पढ़ेंगे किसी भी वर्ड केमिकल इक्वेशंस को केमिकल इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बहुत आसान है और कन्वर्ट करने के बाद उसे बैलेंस करना मस्ट है। तो चलो देखते हैं। पहला है आपका वर्ड केमिकल इक्वेशंस। ये जो आपको दिख रहा है बोर्ड पर, ये क्या है? वर्ड केमिकल इक्वेशंस, या फिर आप कहें वर्ड इक्वेशंस। अब वर्ड इक्वेशंस क्या होता है समझो। जब किसी केमिकल रिएक्शंस को वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, सूचित किया जाता है, तब हम उसे बोलेंगे वर्ड केमिकल इक्वेशंस। ओके प्यारे बच्चों, तो चलो देखते हैं। अच्छा, एक हेडिंग लगा लेते हैं, हाउ टू कन्वर्ट वर्ड इक्वेशन टू केमिकल इक्वेशंस। इसे क्या करना है? कन्वर्ट करना है वर्ड केमिकल इक्वेशन से केमिकल इक्वेशंस में। ओके, चलो पहला देखो क्या है आपका। जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है आपका? वर्ड केमिकल इक्वेशंस दे रखा है। अब आपको दो स्टेप में इसे कंप्लीट करना है। पहले आपको क्या करना है? वर्ड केमिकल इक्वेशंस को केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप में आपको बैलेंस करना है। बस इतना ही करना है। और पहला चैप्टर में ये टॉपिक बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रतिवर्ष केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आपका पहला चैप्टर है। इस चैप्टर से प्रतिवर्ष 5 नंबर का पूछ ही लेते हैं। आपको केमिकल रिएक्शंस पूछ ले, या फिर वर्ड केमिकल इक्वेशंस पूछ ले, या फिर आपको पूछ लेगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो चलो देखते हैं क्या है आपका जिंक कार्बोनेट। तो एक चीज देख लो मेरे भाई, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिंक कार्बोनेट का क्या होता है? वाटर का क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है? ये सभी आपको आना चाहिए, तभी आप ये आसानी से कर पाओगे। चलो क्या है जिंक कार्बोनेट? ZnCO3, हम एरो लगाएंगे। अब देखो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ZnCO3। अब ये कहाँ से आया है यहाँ थोड़ा देख लो। Zn का वैलेंसी 2 होता है और CO3- का भी 2 होता है। इसे आप क्रॉस करो ZnCO3 और ये दो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? ZnCO3। चलो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब यहाँ पर कहता है जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ZnO, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पूछता है वातावरण में या फिर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितनी होती है, तो आपको बताना है 0.03%। चलो अब हमने क्या किया, वर्ड केमिकल इक्वेशंस को केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है? बैलेंस करना है। तो चलो देखते हैं, जिंक एक है, इधर भी जिंक एक है, कार्बन एक, ऑक्सीजन इधर 3 है, ये होता आपका रिएक्टेंट और ये होता आपका प्रोडक्ट। ऑक्सीजन 3 है तो 2 यहां पर है और 1 3, बैलेंस है ऑलरेडी। चलो अब हम इस पर आते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, प्लस है तो प्लस देंगे। पोटासियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4, एरो है तो एरो आपको लगाना है। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? BaSO4 प्लस, अब क्या है? पोटासियम क्लोराइड KCl। मैंने वर्ड केमिकल इक्वेशंस को केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया आसानी से, अगर आपको फॉर्मूला और सिंबल याद है तो। चलो अब आपको क्या करना है? बैलेंस करना है। चलो यहां पर आप 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। बेरियम एक, क्लोरीन दो, पोटासियम दो, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल पर 2 वीडियो अवेलेबल है, हाउ टू बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ये आप
दो मेथड से बताया गया है, आप सीख सकते हैं। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एरो लगाएंगे क्या है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर है तो वाटर का फॉर्मूला होता है मॉलिकुलर फॉर्मूला कहें या फिर फॉर्मूला H2O होता है। चलो अब देखो यहाँ से ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछता है ध्यान से देखना सुनना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये है पूछेगा बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो मेरे भाई बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH का हॉल्टस होता है बिहार बोर्ड के लिए ठीक ना, इसे कहते हैं सेलेक्ट लाइन। चलो अब आपको क्या करना है बैलेंस करना है कैल्शियम एक कैल्शियम एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन दो और दो चार है तो एक यहाँ पर है तीन यहाँ पर चार है कार्बन एक बैलेंस है। अब हम इसे बैलेंस करते हैं पहले इसे हम कन्वर्ट कर लें ओके। एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है Al होता है एल्युमिनियम। चलो कॉपर क्लोराइड है CuCl2 फॉर्मूला होता है। अब देखो क्या है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और Cu। मैंने वर्ड केमिकल इक्वेशंस को केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया पहला स्टेप ये। दो स्टेप में क्या करना है बैलेंस करना है। अब यहाँ पर देखो एल्युमिनियम एक है कॉपर एक क्लोरीन दो है यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं तीन हैं तो यहाँ पर हम थ्री लगा लेंगे ये हो जाएगा छः यहाँ पर दो यहाँ पर दो बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम दो कॉपर यहाँ पर तीन क्लोरीन तीन दोनों छः। चलो लास्ट करते हैं हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन है और ये क्या बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार आएगा क्वेश्चन रहेगा पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो याद रखना पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है HCl। इसे बैलेंस कर दो बस हाइड्रोजन दो क्लोरीन दो। आई होप कि यह आपको समझ में आ रहा है इसे आप नोट करें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो उसे आपने नोट कर लिया आ जाओ। अब देखो कुछ स्टेटमेंट दिया गया है क्या है दी ट्रांसलेट दी फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस दी इक्वेशंस। ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है और कहता है आपको पहले केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करें उसके बाद फिर उसे बैलेंस करें। तो चलो पहला देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पर पहला हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S होता है और ये हाइड्रोजन सल्फाइड किसके साथ जल रहा है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ जलकर क्या बनाता है वाटर बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2। इसे आप क्या करें बैलेंस करें यहाँ दो रखें यहाँ दो बैलेंस हाइड्रोजन चार सल्फर दो ऑक्सीजन छः दो यहाँ पर है और दो दोनों चार बैलेंस हो गया बहुत आसान है। चलो अब फॉस्फोरस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब देखो फॉस्फोरस जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। अब आपको क्या करना है बैलेंस करना है। हमने इसे केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया और इसे क्या करना है बैलेंस करना है। यहाँ पर हम दो रखेंगे और यहाँ पर पाँच रखेंगे फॉस्फोरस चार है तो दो दुना चार पाँच दुना दस ऑक्सीजन बैलेंस है। चलो अब इसे देखते हैं एल्युमिनियम मेटल रिप्लेसेज आयरन फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड गिविंग एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन। अब इसे समझते हैं कहता क्या है कहता है एल्युमिनियम जो है फेरिक ऑक्साइड से आयरन को रिप्लेस कर देता है। तो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O4।
ओ थ्री। देखो ये एल्युमिनियम जो है फेरिक ऑक्साइड ये रहा, तो एल्युमिनियम फेरिक ऑक्साइड से Fe को मतलब आयरन को बाहर कर देता है। देखो इसे बाहर कर दिया और क्या बना रहा है, ये बना रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बना रहा है। अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। आ जाओ करते हैं। एल्युमिनियम कितने हैं, एक इधर देखो कितने हैं, दो, यहाँ पर आप दो रख दो। Fe देखो कितने हैं, दो, यहाँ पर आप दो रख दो। ऑक्सीजन देखो तीन, ऑक्सीजन तीन, बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम दो, एल्युमिनियम दो, Fe दो, Fe दो, ऑक्सीजन तीन, ऑक्सीजन तीन, बैलेंस है। अब चार नंबर पर आते हैं। अब देखो मैग्नीशियम कम्बाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और इसे आप बैलेंस कर लो, ठीक ना। चलो लास्ट देखते हैं। अब कहता है कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड को हम लिखेंगे CH2 प्लस किसके साथ, एयर के साथ, तो एयर दे देंगे यहाँ ऑक्सीजन। अब देखो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब इसे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कार्बन एक, कार्बन एक, सल्फर दो, सल्फर यहाँ पर कितने हैं, एक, तो यहाँ पर आप दो रख दो। कार्बन एक, कार्बन एक, सल्फर दो, सल्फर दो, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, दो, इस साइड देखो दो दोनों चार, चार दो छः, तो यहाँ पर रखेंगे थ्री। तो ये भी हो गया कंप्लीट। तो बच्चों इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। आपको जो बोर्ड पर लिखा हुआ है ये सेमी केमिकल इक्वेशंस है, इसे आपको कंप्लीट करना है और उसके बाद फिर बैलेंस करना है। देखो कंप्लीट द केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस द इक्वेशंस। चलो पहले ये क्या है, सेमी केमिकल इक्वेशंस है, वन बाय वन करके सभी को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करके फिर बैलेंस करेंगे। यहाँ पर देखो सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे H2O प्लस सल्फर बनाएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, अब क्या करना है, बैलेंस करना है। चलो देखते हैं। सल्फर देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, कितने हैं, दो, यहाँ पर देखो सल्फर एक ही है, तो यहाँ पर आप दो रखो। ऑक्सीजन यहाँ देखो दो है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, एक है, तो यहाँ पर आप दो रख दो। अब हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन देखो कितने हैं, दो, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, चार, यहाँ पर दो रखो। चलो फिर से बैलेंस करते हैं। सल्फर यहाँ पर एक और यहाँ पर अब हो गया दो, तो दो और एक तीन, तो यहाँ पर हम रखेंगे अब तीन। आई थिंक ये इक्वेशंस बैलेंस हो गया। देखो सल्फर एक और दो तीन, सल्फर तीन, हाइड्रोजन चार, हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, ये कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसे देखना है P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पर दो रखो, यहाँ पर फाइव रखो। फॉस्फोरस चार, फॉस्फोरस चार, ऑक्सीजन पाँच दुना दस, पाँच दुना दस। अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट कहो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। जब इसे हीट किया जाता है तो ये Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O बनाता है। अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब यहाँ पर देखो सोडियम कितने हैं, दो, सोडियम दो, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन यहाँ पर देखो दो, कार्बन दो, कार्बन यहाँ पर एक और एक दो, बैलेंस है। ऑक्सीजन तीन दोनों छः, तीन यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, तीन दो पाँच, एक छः, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, ये है आपका ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन को ऑक्सीजन से क्या करवाया जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है, तो ये बनाएगा CO2 प्लस H2O। अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना पड़े। यहाँ पर आठ लगा दें, यहाँ पर दो, ठीक ना, और यहाँ पर हम अगर 13 लगा देते हैं। अगर आपको बैलेंस नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर दो वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। चलो देखते हैं, कार्बन 8, कार्बन 8 यहाँ पर है, हाइड्रोजन 10 दुना 20, यहाँ पर हम 10 रखेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन 10 दुना 20 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 13 दुना 26, 8 दुना
16 और 10 कितने हो गए, 26, 10, 16, 26 बैलेंस हो गया, ये भी कंप्लीट। अब इसे देखो, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ पर आप दो रखो, यहाँ पर दो रखो, ये भी कंप्लीट। अब इसे देखो, ये देखो क्या है, मेटल है और एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाएंगे, ZnSO4+ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, ZN1 सल्फर एक हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन 4। ये बैलेंस ही है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।